असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर थ्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो चैप्टर नंबर थ्री डायनेमिक्स एंड द एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन

कि जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो वो बॉडी रेस्ट में होती है या अगर वो पहले से मोशन में है तो फिर, फिर वो मोशन में ही रहती है क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज नेट फोर्स द सेकेंड एमसी क्यू एनर्शिया डिपेंड्स अपॉन ए फोर्स बी नेट फोर्स सी मैस एंड डी वेलोसिटी सो इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी बॉडी के मैस पर क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी क्स्ट एम सी क्यू नाउ द थर्ड एमसीक्यू अ बॉय जम्प आउट ऑफ अग बस एंड देर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल ए टू वर्ड्स द मूविंग बस बी अवे फ्रॉम द बस सी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो एक बॉय जो है वो एक मूविंग बस से जम्प करता है बाहर की तरफ तो उस बॉय की डायरेक्शन क्या होगी कि वो किस डायरेक्शन में फॉल करेगा बेसिकली so जब एक बॉय जंप करता है तो ये खतरा होगा वहां कि वो उसी डायरेक्शन में फॉल करेगा जिस डायरेक्शन में बस का मोशन होगा क्लियर सो so अगर बस वहां पे फॉरवर्ड मूव कर रही है तो बॉय जो है वो भी फॉरवर्ड फॉल करेगा क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज सी ओके नेक्स्ट एमसीक्यू स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज

दो बॉडीज जो कि एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं और वो स्ट्रिंग जो है वो एक फ्रिक्शनलेस लेस पुलिस के ऊपर से पास की गई है अब उन दोनों बॉडीज की जो डायरेक्शन है जो प्लेसमेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है so, इस जगह पर एक्सेलरेशन उन बॉडीज का क्या होगा तो ये हमने ड्राइव किया था एंड दैट इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम ए न्यूटन मीटर बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सी न्यूटन सेकेंड एंड डी न्यूटन पर सेकेंड सो मोमेंटम का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन सेकेंड सो दैट करेक्ट ऑप्शन इज सी मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है सो अगर बोर्ड में आपसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि मोमेंटम का यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड जो है कि इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के क्लियर सो बोर्ड में एन एमसीक्यू वो आपको इस ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन भी दे सकता है कार्ड द एक्शन इज ऑन द जब हॉर्स जो है जब एक कार्ड को पुल करता है तो एक्शन यहां पर बेसिकली किस पर हो रहा है ए कार्ड बी अर्थ सी हॉर्स एंड डी अर्थ एंड द कार्ड अब बेसिकली हॉर्स जो है वो कार्ड पर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है अब जब कार्ड मूव करेगा तो उसके जो टायर हैं वो बेसिकली अर्थ के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं क्लियर सो so, हम कहेंगे यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी विच इज अर्थ एंड द कार्ड क्लियर सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नाउ द लास्ट एमसीक्यू फॉलोइंग मेटीरियल लोवर दिक्कशन मेटल प्लेट्स ए वॉटर बी फाइन मार्बल पाउडर सी एयर एंड करता है मार्बल प्लेट्स so, मैंने डिस्कस किया था आपको एक टॉपिक में दट मैथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन के हम उन मेटीरियल को लुब्रिकेट करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और लुब्रिकेट करना दैट इज के आप ऑयलिंग करना क्लियर सो so, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे ऑयल देखें तो ऑयल को अगर हम यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन एज डी आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफ़िज